अगला सवाल है, हाउ डू यू गेट ट्रैवल स्पॉन्सरशिप एवरी टाइम। ऋषि डेट ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि मेरे को इतना घूमने को कैसे मिलता है, मेरा ट्रैवल कौन फंड करता है, मेरे पापा ने मेरे को क्या एक कार्ड दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है, बोलते हैं जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, तो मैं उससे जो पैसा कमाता हूँ उससे ट्रैवल करता हूँ। अगर आप किसी भी तरह की वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को travelingmondays@gmail पे मेल कर सकते हैं फॉर द वर्क पर्पस। एनीवेज, तो सेकंड मेरा तरीका है कि जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो किसी प्लेटफॉर्म पे, तो एक ब्रांड आती है और वो बोलती है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप क्यों ना मेरा ये प्रोडक्ट एक बार चेकआउट करो। आप उसको चेकआउट करोगे और बोलोगे कि भाई एक नंबर है, बहुत सही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, तो आप रिकमेंड करोगे कि हाँ यार ये अच्छा है, तो एक जेन्युइन रिकमेंडेशन होता है। इस तरह इस चीज़ को बोलते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन। और आज आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो ब्रांड कोलैबोरेशन से आप पैसे अर्न करते हो। अगला सवाल है आर्या भी, भैया आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत इंटरेस्टिंग और स्पेशल है। थैंक यू सो मच भाई, आपके कमेंट्स और आपके इस तरह के पॉजिटिव जो भी वर्ड्स होते हैं मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कौशल ओझा, हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज एंड स्टडिंग। काफ़ी सही क्वेश्चन है यार, क्योंकि आज के टाइम पे इतना सारा कंटेंट है ना और इतनी सारी वीडियोज़ है ना जिनको देख के मन करता है कि देखते रहें। और मेरे साथ भी होता है ऑनेस्टली कि मैं कुछ देखना शुरू करता हूँ, उसके बाद कुछ और देखता हूँ, फिर कुछ और देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ टाइम कहाँ गया। तो ये हो रहा है, तो इसके साथ एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में टाइम वेस्ट ना करें, हम टाइम स्पेंड करें। और उसके लिए क्या करना है कि आपको कॉन्टेंट क्यूरेट करके देखना है। तो आप सेलेक्ट करो जिस कॉन्टेंट क्रिएटर को आप को पसंद है कि हाँ यार अच्छा कंटेंट बनाता है, इसका कंटेंट अगर मैं देखता हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ मेरे लिए ऐड होता है, चाहे वो कॉमेडी वीडियो हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो, चाहे वो ट्रैवल वीडियो, कैसा भी वीडियो, चाहे वो टेक वीडियो। अगर आपको उससे क्वालिटी मिल रही है, अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, अगर आपका दिमाग उससे फ्रेश हो रहा है, आप हंस रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो उसको सब्सक्राइब करो और उसी को देखो। कुछ भी रैंडम क्रिंजी या फिर बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियोज़ को मत देखो, क्योंकि इन दिन आप बोलोगे शिट यार क्लिक तो कर दिया लेकिन टाइम वेस्ट हो गया। मेक श्योर जो कंटेंट क्रिएटर्स आपको पसंद है उनको सब्सक्राइब करो। स्टे हेल्दी बाय ईटिंग गुड एंड स्टे क्रिएटिव एंड हैप्पी बाय वॉचिंग गुड। सो या दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत नारखेड, हाउ कैन यू जनरेट मनी फॉर एक्सपेंसेस। एज आई टोल्ड यू ब्रदर, आई डू फ्रीलांस वर्क इन वीडियोग्राफी एंड आई डू यूट्यूब कोलैबोरेशन, दैट्स हाउ आई मेक मनी। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रू। एडीआर डॉलर इज आस्किंग, एक कॉल बहुत सारी बात है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि इज द राइट टाइम बट ट्राई करते हैं। 9958 क्या गाना लगाया भाई ने? हम ना रहे कभी यारों के बिना, आई एम नॉट श्योर कि उठाएंगे कि नहीं। हेलो, सॉरी ब्रो इतना लेट डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं शक्ति बोल रहा हूँ ट्रैवलिंग मंडेज। हेलो, अरे भाई सही हो, व्लॉगिंग में जो सिनेमैटिक रोल देखने मिलता है ना वो यार तुम्हारे व्लॉग में है, मतलब मजा आता है कि नहीं? एक नंबर नहीं, 100 नंबर। 100 नंबर आते हैं ना, 100 नंबर तो पुलिस का होता है वैसे। दोबारा मैं कॉल करके बात करूंगा, अभी मैंने ऐसे ही रैंडमली कॉल लगा दिया। ठीक है। पर मैंने ना जो व्लॉगिंग में जो सीखा है ना यार, कंटेंट में सिनेमैटिक रोल डालना है, तुमसे सीखा देखो। थैंक यू भाई, यही तो चाहिए। अभी ट्रेंडिंग पेज पे नहीं है पर लोगों के दिल में है, यही तो चाहिए। कोई ना, टाइम है, अभी धीरे धीरे सब आ जाएंगे। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो सब लोगों को बाय बोल दो जल्दी से। ठीक है बाय। और ये बोल दो कि ये वीडियो एंड तक देखना। हाँ ये वीडियो एंड तक देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बिल्कुल, चलो गुड नाइट ब्रो, ये मजा है यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक भाई का, भाई आप कितनी मेहनत करते हो, आपकी वीडियो देख के दिन सा बन जाता है। भाई आपकी शादी हो गई, एक सेकेंड, आपका जो पहला क्वेश्चन था वो सेकेंड क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा, बट एनीवेज थैंक्स यार, हार्डवर्क तो सब करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम करने मज़ा आता है तो मुझे हार्डवर्क जैसा फील नहीं होता। मज़ा आना चाहिए, जो भी आप काम करो उसको दिल से करो और जिस काम में आपका दिल है उसको ज़रूर करो। शादी अभी मेरी नहीं हुई है, लेकिन बस तो मेरे कैमरा में 10 मिनट की लिमिट है और बार बार बंद हो जाता है और मैं बहुत देर से बोल रहा होता हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ होता है एक बार चेक कर लेना चाहिए, और तब मुझे पता चलता है कैमरा बंद था, मेरा कट जाता है इन शॉर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रू, व्हाट अबाउट लेह लद्दाख वर्कशॉप, टेल अस सम इन्फॉर्मेशन। तो भाई मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा,
क्योंकि अभी मैं इसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, इसको अनाउंस करेंगे प्रॉपर, और अभी मैं इसके बारे में बस ये बोल सकता हूँ कि मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ बहुत बड़ा, बहुत अमेजिंग, जो आज तक किसी क्रिएटर ने, इंडियन क्रिएटर ने नहीं किया है. बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है एंड देर विल बी अ वेरी बिग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यू सेलेक्टेड पीपल. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुशांत अरी. हाउ वर्ड लाइफ बीइंग अ फुल टाइम ट्रैवल व्लॉगर? मतलब देखो, आप लोगों को लगता होगा कि लाइफ बहुत फैंसी है, मतलब मजे हैं, घूमने को मिलता है, ऑब्वियसली है, लेकिन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग योर लाइफ, क्योंकि आप अपनी जिंदगी दे रहे हो इंटरनेट को, लेकिन क्या इंटरनेट आपको अपनी जिंदगी जीने दे रहा है? तो मतलब इट कम्स टू मैनेजमेंट. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर रहा था, रातों को सो नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था. बीच में फिर मैं थोड़ा स्लो हो गया, मैं सोने ज़्यादा लग गया, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे मैनेजमेंट करना होगा लाइफ में, और जैसे जैसे लाइफ में मैनेजमेंट आएगा, लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी. सजा भी है, मज़ा भी है, सजा मजा मजा सजा, सजा मजा मजा सजा, यही चलता रहता है. फ्रॉम बींग इंजीनियर, हाउ यू चूज टू बिकम ए ट्रैवल ब्लॉगर? यार मैंने नहीं सोचा था कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बनूंगा बड़ा होके. इंजीनियरिंग करके पता चला कि मैं कुछ इस कैमरा के साथ ही करना चाहता हूँ, कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ. ये अपने आप हो गया यार, मतलब मेरे को पता नहीं है कि मतलब कैसे हुआ, ट्रांजिशन अपने आप हो गया धीरे धीरे. मेरे को एकदम रियलाइज हुआ एक दिन कि यार मैं तो ट्रैवल ब्लॉगर बन गया हूँ, सही है, तो मजा आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंकित गुप्ता. भैया एक बार ये बताओ कि हाउ यू शूट एंड एडिट योर वीडियो. भाई ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कैसे शूट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, क्योंकि इट्स अ होल प्रोसेस. लेकिन तुम्हारा भाई बहुत जल्दी ट्यूटोरियल्स लेके आने वाले हैं जिससे मैं आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा हाउ टू शूट विद अ DSLR. अगर आपने आज तक कभी DSLR यूज़ नहीं किया है, हाउ टू शूट विद अ फोन इफ यू डोंट हैव अ DSLR, हाउ टू शूट विद अ गिम्बल, हाउ टू शूट विद अ ड्रोन, हाउ टू शूट विद द GoPro, बहुत सारी चीज़ें, और मज़ा आएगा. ट्यूटोरियल्स स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, हमारा सेटअप तैयार हो गया है ऑलमोस्ट, तो अब हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे इसी महीने से. कमेंट्स में बताओ कि सबसे पहले आपको कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, सो दैट आई कैन मेक माय माइंड कि मैं सबसे पहले क्या रिलीज करूं, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास, मेरे को समझ नहीं आ रहा है पहला वीडियो किस पे डालूं. सो TM ट्यूटोरियल्स आर कमिंग वेरी सून, स्टे ट्यून्ड ब्रदर. लाइफ ऑफ अ ट्रैवल गर्ल इज आस्किंग विच एडवेंचर एक्टिविटीज इन योर बकेट लिस्ट एंड वेयर डू यू वॉन्ट टू गो फॉर इट. मेरी बकेट लिस्ट में टॉप पे आता है स्काई डाइव करना, और स्काई डाइव मैं कहीं से भी करना चाहूँगा, मतलब ऑब्वियसली बस बहुत ऊपर हवा में जाना है और फ्री फॉल करना है, और उस ऊपर से नीचे पहुँचने के दरमियान ज़िंदगी के बारे में सोचना है, देखना है कि क्या आता है दिमाग में जब आप हवा में होते हो. फ्री फॉल स्काई डाइव, तो स्काई डाइव करना चाहता हूँ, उसके बाद स्कूबा करना चाहता हूँ, आइसलैंड जाना चाहता हूँ, दुनिया के कोने कोने में जाके चिलिज्म फैलाना चाहता हूँ, यही है मेरे जीवन का मकसद. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडू बाबू. ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के रेगुलर व्लॉग्स भी डालो, मे बी योर लाइफ इज़ टू इंटरेस्टिंग. हो सकता है कि मैं डेली व्लॉग्स ट्राई करूँ, मतलब अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, प्रॉमिस नहीं करूँगा, बट या दे आर चांसेस. ऑलराइट, सो क्वेश्चंस आर डन. आई थिंक आई हैव आंसर्ड इनफ ऑफ द क्वेश्चंस. कुछ अभी भी बाकी रह गया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो. आई होप आपको शक्ति से बात करके अच्छा लगा हो, क्योंकि ट्रैवलिंग मंडेज को तो आप जानते ही हो, लेकिन पहली बार हम लोगों की एकदम मतलब प्रॉपर सॉर्टेड भाई भाई वाली बात हुई है. अगर आपने अब तक मेरे जीरो के वीडियोस नहीं देखी है, नॉर्थ ईस्ट का ट्रेलर नहीं दिखा है, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. दिस इज इट. आई होप यू गाइस एंजॉयड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गिव इट अ थम्स अप. डू नॉट फॉरगेट टू